हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने की आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप फॉलो करके बिना गैस जलाए केवल 5 मिनट में डिलीशियस आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1 कटोरी फ्रेश क्रीम, यहाँ मैंने अमूल का लिया है। 1 कटोरी कंडेंस मिल्क, यह होममेड है। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें। 2 टेबलस्पून शुगर, 1 कटोरी कटा हुआ आम, 3/4 कटोरी मिल्क, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम कटे हुए आम को जार में डालकर उसका पल्प बनाएंगे। फिर हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें फ्रेश क्रीम डालकर 1 मिनट के लिए लगातार फेंट लेंगे। जब क्रीम पतली हो जाएगी इस तरह से, तो उसमें 2 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे और फिर से इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मिल्क, मैंगो पल्प। फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए लगातार फेंट लेंगे। फिर हम इसमें 2 ड्रॉप्स येलो कलर डालेंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अब हम इसे 30 सेकंड तक फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसे एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज करने के लिए रख देंगे। लीजिए, हमारी आइसक्रीम तैयार है। सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम जो बहुत ही आसानी से तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।